तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम दो प्रोजेक्ट करने वाले हैं। पहला प्रोजेक्ट जो करेंगे वो चलेंगे कि हम किसी इनवाइस को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे कैलकुलेट करें। दूसरा हम पीडीएफ के हिसाब से सब फोल्डर बनाने की बात करेंगे। तो फोल्डर वाले सिस्टम को पहले छोड़ते हैं, फिलहाल चलते हैं हम इनवाइस को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के। तो आपके सामने एक डेटा डला हुआ है जो कि मेरे डेटा शीट से कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे अगर टू करता हूँ तो यहाँ पे टू का इनवाइस नेम हट आ जाता है, थ्री करता हूँ तो थ्री का आ जाता है। तो बस मुझे क्या करना है, इसमें वन यहाँ पे लिखा और यहाँ फाइल में गया, देखो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, फाइल में गया और इसको एक्सपोर्ट पीडीएफ और इसका नाम मैंने वन दे दिया क्योंकि तो इनवाइस नंबर वन है और भी एक पर्टिकुलर फोल्डर में, थ्री और फाइव, मान लीजिए फाइव का फोल्डर है, फाइव वाले फोल्डर में फाइव के फोल्डर रखता हूँ, ये तीन वाला फोल्डर डिलीट कर देता हूँ, फाइव वाले फोल्डर है, मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अच्छा वो तो वन नाम से नहीं ले रहा है, क्या बोला, पब्लिश कर दिया। और आप देखेंगे यहां कहां पे जी ड्राइव में 2020 के अंदर फाइल के अंदर ये आपका पीडीएफ हो गया। अब इसको ओपन भी पीडीएफ करिए तो आपको दिख जाएगा कि कैसे पीडीएफ ओपन हो रहा है। हो गया सर एकदम एग्जैक्ट, देखिए वन हुआ ना। इसी तरीके से हम बाकी भी कराना चाहते, तो कैसे करें, तो चलिए हम बताते हैं इसको कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो, हाँ सर, हाँ जी सर। अब चलिए इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो जैसे कि अभी इनवाइस, हाँ, इसमें मैंने आप सबसे पहले जानना होगा हमें कि किसी पर्टिकुलर पीडीएफ को एक्सपोर्ट करने का क्या है। तो सिंपल से यहाँ देखिए ये आपका एक्सपोर्ट फाइल नेम और ये चीजें होती है, ठीक है सर। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो हम यही भी इसी में मैं एक करता हूँ मैक्रो लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मैक्सिमाइज जो है मैग्नीफायर जो है मैं उसको लेता हूँ ताकि इसको बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे। तो यहाँ पे हमने दिया सब्जेक्ट, हमने बोला कि XPP _PDF ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम करेंगे कि फोर I इक्वल टू चले टू से। अब मुझे अपना जो सीट है, हमारा जो डेटा सीट है उसमें लास्ट तक आना चाहिए 39 तक, बट क्या ये मुझे नहीं पता कि कितना डेटा हो सकता है, तो इसको मैं यहां ऑटोमेट कर रहा हूं। कैसे ऑटोमेट कर रहा हूं कि यहां कर रहा हूं शीट डेटा डॉट रेंज। मोबिन जी देखिएगा जो मैंने आपको बताया था रेंज वाला एक्सलेस आप बला वो कितना ज्यादा यूजफुल है यार, हर जगह भी कई बार यूज किया मैंने इसको ना सर जी। एंड एक्सल आप डॉट रो और यहां पे मैक्स आई, तो एक क्या करेगा, ये करेगा कि सीट में जाएगा और जाएगा ए 65,000 पे और वहां से कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करके ऊपर आएगा और यहां दिखेगा 39, दिख गया। जो एडिट का जो रो नंबर है वो रो नंबर आई को दे देगा जी। ओके जी। अब यहां पे इन
इनवाइस पे आता हूँ, इनवाइस वाले पेज पे, इनवाइस वाले सीट को एक्टिव करना पड़ेगा ना पहले, मान लीजिए एक्टिव नहीं हुआ तो यहाँ पे देंगे हम शेप्स और यहाँ हम इसको पेस्ट करेंगे डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका है E4, यहां पे लिखेंगे रेंज E4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सीट, सीट में डेटा और डेटा में देंगे हम रेंज और रेंज में देंगे कॉलम ए और रो नंबर के लिए बोलेंगे तुम आई से ले लो डॉट वैल्यू। ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ इनवाइस नंबर चेंज करेगा तभी तो बाकी सारा डेटा चेंज होगा क्या सर? तो इनवाइस नंबर दिया, उसके बाद जो हो गया तो इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है। सीट की प्रॉपर्टी नेम से चलते हैं, सीट वन डॉट एक्सपोर्ट फिक्स फॉर्मेट। अब इसमें देना है टाइप कि कौन सा टाइप है आपका, तो टाइप जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ एक्सेल टाइप पीडीएफ, टाइप पीडीएफ दे दिया। अब आता है फाइल नेम, फाइल नेम का होना चाहिए, तो हमने बोला कि मेरा जो फाइल नेम ये होना चाहिए। सर आपने इसमें कॉमा नहीं डाले फॉर्मेट और टाइप के बीच में? कॉमा क्या बोल रहे फॉर्मेट टाइप नहीं होगा क्योंकि हम डायरेक्ट चल रहे हैं ना सिक्वेंस में, इसमें आएगा। बट इसमें हमें जो है वन जो है हमें किससे लेना है, आई तो इनवाइस नंबर लेना है ना सर? इनवाइस नंबर तो ये है ना हमारा, हाँ। तो यहाँ एन परसेंट इसको फेस करेंगे, फिर एन परसेंट और फिर हमने इसमें देखिए स्पेस नहीं होना चाहिए, इन्वर्टर को मैंने पीडीएफ दे दिया। बाकी क्वालिटी वगैरह जो देख रहे हैं ऑप्शनल है, देने की जरूरत नहीं, ठीक है छोड़ देता हूं। ओके जी, अब मैं इसको एक बार रन करता हूं। और हम अपने डेटा में चले जाते हैं, देख रहे हैं जी जी सारे पीडीएफ इनवाइसेस अलग अलग बना दिए जी जी। अब उसका मैसेज को अगर शो कर सकते हैं, बट मैंने मैसेज शो नहीं किया है, तो अब मैं एक बार एक दो कुछ रैंडमली चेक कर लेता हूँ कि सही होना चाहिए ना सर। जैसे थ्री नंबर को लेता हूँ और यहाँ ओपन विद पीडीएफ करता हूँ, थ्री नंबर में कविता है और इसका अमाउंट है 14929। तो मैं जाता हूँ अपने डेटा में देखता हूँ, थ्री नंबर में कविता नाम सही है 14929 एग्जैक्ट सही किया है। तो एक बार में हम इनवाइसेस क्रिएट कर लिए, आगे की क्लास में मैं बताऊंगा कि इसको हम मेल भी कर सकते हैं जी। ओके जी, अब इसको मैं यहां से आगे की क्लास में समझाएंगे कि इसको हम मेल भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें अगली टॉपिक की तरफ।